जब से हम राजनीति में आए हैं तब से किसी न किसी तरह मुझे इस मैदान से निष्क्रिय बनाने के लिए जिले के हर पार्टी के कुछ नेता लगे हुए हैं। ये आरोप सिवान के एमएलसी उम्मीदवार रहे रईस खान ने लगाया है। दरअसल सिवान के प्रॉपर्टी डीलर राजेश उर्फ सिक्कू सिन्हा पर हमला मामले में 6 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इसमें एक नाम रईस खान का भी है। इसी घटना का जिक्र करते हुए रईस खान ने कहा है कि जब हमने जनता के आशीर्वाद से सिवान में एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को कड़ी टक्कर दी, तब आप सबने देखा कि हम पे गोली चलाई गई और आज एक झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास सत्तारूढ़ पार्टी के नेता द्वारा किया जा रहा है, जबकि इस मामले से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। रईस खान का दावा है कि मैं घटना के वक्त सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में अपने गांव ग्यासपुर घर में था। मुझे राजनीतिक षड्यंत्र रच फंसाने की कोशिश की जा रही है। रईस खान ने अपील की है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करके असली अपराधियों को गिरफ्तार करे, न कि मुझ जैसे राजनीतिक व्यक्ति को परेशान करे। बहरहाल सिवान के प्रॉपर्टी डीलर राकेश उर्फ सिकू सिन्हा पर हमला मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो लोग भी दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इसमें देखना ये है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति न फंसे। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को रात में जब रईस खान अपने गांव ग्यासपुर जा रहे थे, तभी महुअल गांव के पास उन पर AK-47 से हमला हो गया था। रईस इस हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस हमले को लेकर उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सहित कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। रईस ने ओसामा सहित अन्य लोगों पर खुद को मारने की साजिश रचने की बात कही थी। इसके जवाब में ओसामा साहब की मां हीना मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने सिवान छोड़ देने की भी बात कही थी।